है बजाज कंपनी का फाल्सर BS6 बाइक है, हम लोग का करेंट नहीं आ रहा है और बाइक हरगिज हर हाल में स्टार्ट नहीं हो रहा है। ACM उन्होंने क्या किया है, नया डाल दिया है, डालने का बाद भी ऐसा ही रीजन हो रहा है। तो सेल्फ स्टार्ट काम कर रहा है, देखिए सेल्फ, चलो सेल्फ कहीं पे करो तो करेंट नहीं आ रहा है। तो हम लोग का ACM अगर बदल करते हैं 46 नंबर, उसी नंबर के साथ हम लोग का कोड होता है, जैसे लॉक कटाना पड़ता है तभी काम करेगा। फ्रेंड्स हम लोग को 44 नंबर लिखना पड़ेगा, 44 नंबर क्या है देख लेता हूँ, MD2BX9L। ओके डन, यानी कि ACM जो बदला है इसके लिए कोड मार दिया है और 44 नंबर दे दिया है। लॉक तो कट गया है, बाइक में फायरिंग भी आ रहा था, स्टार्ट नहीं हो रहा था, जैसे पिकअप नहीं आ रहा था। इसी बाइक का है और एक कार्बोरेटर है उस बाइक की, थोड़ा दिखा वहाँ इस बाइक की, कि एक कार्बोरेटर लगाने के बाद ही बाइक स्टार्ट हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया है बजाज कंपनी का फाल्सर BS6 बाइक है और 125 cc। इस बाइक में हम लोग का करेंट नहीं आ रहा है और बाइक हरगिज हर हाल में स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो एक मैकेनिक भाई ने क्या किया है, जो इसका ACM है, ACM उन्होंने क्या किया है, नया डाल दिया है, डालने का बाद भी ऐसा ही रीजन हो रहा है, फिर मेरे पास बाइक को लाया है। तो गाइस आज आप लोगों को बताऊंगा, एक्चुअली जो बाइक में अगर करेंट ना आए और ACM कट जाता है तो हम लोग इसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि नया इंस्टॉल करें तो क्या क्या स्टेप होता है, इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, तभी बाइक हम लोग को वर्क होगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम जो क्या होता है। देखिए जब इग्निशन ऑन करते हैं तो चेक इंजन लाइट, ये सब लाइट नहीं जल रहा है मीटर कंट्रोल में, देखिए नहीं जल रहा है। जब बंद करेंगे और यानी कि ऑन करेंगे तो सब लाइट जलना चाहिए था, चेक इंजन लाइट भी जलना चाहिए था, कुछ भी लाइट नहीं आ रहा है और सब हम लोग का सही है गाइस, ठीक है। तो सेल्फ स्टार्ट काम कर रहा है, देखिए सेल्फ स्टार्ट काम कर रहा है और करेंट नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो सेल्फ कहीं पे करो तो करेंट नहीं आ रहा है, छोड़ो छोड़ो, और बाइक हरगिज हर हाल में स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो गाइस फाइनली इस बाइक का जो हम लोग ACM अगर बदल करते हैं तो बाइक में दिया जाता है हम लोग का 46 नंबर, उसी नंबर के साथ हम लोग का कोड होता है, कोड शेयर करना पड़ता है, ACM को बताना पड़ता है और जैसे लॉक कटाना पड़ता है तभी काम करेगा। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को सारे के सारे चीज़ देखने को मिलेगा, कैसे हम लोग कोड बैठा है, कैसे हम लोग कोड को ओपन करें, कैसे को खोले। तो इसके लिए अब हम जाएंगे डीलर के पास और आप लोग के एक्चुअली फुल डिटेल के साथ समझाएंगे जो इसमें क्या क्या करना पड़ता है, तब जाके हम लोग को ACM बदलने से हम लोग काम बनेगा, वरना ACM अगर हम लोग बदल देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग का मेमोरी होता है, मेमोरी के अंदर हम लोग को फंक्शन लोड करना पड़ता है तभी काम बनेगा और काम होगा। तो चलिए हम अभी जाएंगे शोरूम, जितना भी प्रोसेस था मैंने चेकअप कर लिया, पीछे का वायर देखिए सब मैंने खोल खोल के देखा, सेंसर का वायर खोल के देखा, किल स्विच हमने डायरेक्ट करके देखा, जितना भी प्रोसेस था सब ने मैंने देख लिया है। अब मुझे लगता है डायरेक्ट शोरूम जाके मुझे पता चलेगा एक्चुअली जो फंक्शन हम लोगों को लोड करना पड़ेगा, और मैशिंग भी हम लोग का OBD स्कैनर मैशिंग भी हम लोगों का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, काफ़ी सारे केबल मैंने लगाया है और मैशिंग भी मैंने लगाया लेकिन कनेक्ट भी नहीं हो रहा है, एक्चुअली पकड़ नहीं आ रहा है जो एक्चुअली क्या बीमारी है। तो चलिए अभी हम लोग जाएंगे डीलर के पास और वहाँ इस बाइक का हल होगा, तो वहाँ आप लोगों से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनल हम आ चुके हूँ बजाज के डीलर के पास और अभी बाइक जैसे कि क्या क्या करेंगे आप लोगों को थोड़ा समझाएंगे। और जब भी आप लोग बाइक खोलते हो और इशू प्रॉब्लम हो जाते हैं तो नया इशू लगाने के बाद आप लोग कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो प्रोसेस आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये प्रोसेस बहुत ही बड़ा है और ये सब करेंगे तो ही बाइक का जो इग्निशन लाइन है बन पाएगा और बाइक चलेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए, चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग को 44 नंबर तोलना जैसे कि लिखना पड़ेगा, 44 नंबर क्या है देख लेता हूँ। MD2 BX8B तुम्हें बोल पा हम आगे BX8 हाँ BX 9L हाँ L R D हाँ D
डबल वन टू डबल जीरो हाँ एम डी टू हाँ बी सिक्स एट हाँ बी एफ हाँ नाइन हाँ एल आर डी डबल वन टू डबल जीरो डबल जीरो ओके डन आई मारबो लाइन আছে না দেখে নিব ভাই লাইন চলেছে লাইন চলেছে রে মারি ক্যাট ইংলিশ আর এই যে দেনা আসলা চলিয়ে फ्रेंड्स अभी हम लोग करेंट चेकअप करेंगे एकदम करंट चढ़ करके आ रहा है तो फ्रेंड्स यानी कि एसीएम जो बदला है इसके लिए कोड मार दिया है और 34 नंबर दे दिया है। लॉक तो कट गया है, बाइक में फायरिंग भी आ रहा था बट क्या हो रहा था, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था, जैसे पिकअप नहीं आ रहा था। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये जो कार्बोरेटर है इसी बाइक का है और ये कार्बोरेटर है उस बाइक की, थोड़ा देखा वहाँ इस बाइक की, ये बजाज पल्सर 125 सीसी है, यहाँ देखा। तो यानी कि ये कार्बोरेटर लगाने के बाद ही बाइक स्टार्ट हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। अभी तो झटका के ऊपर झटका लग रहा है ना, एक झटका जैसे कि एसीएम हमने बदला उसका झटका, और फिर दूसरा झटका है कार्बोरेटर हम लोगों को बदलना ही पड़ेगा, और शोरूम में अभी कार्बोरेटर भी नहीं मिल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैनेजर को बोलेंगे और ऑर्डर दे देंगे, और कस्टमर से भी परमिशन लेना है। तो इसका दाम लगभग 5000 के आसपास में है। सबकी कितना कीमत है इसका, लगभग 5000 रुपया, 4806 रुपया, यानी कि 5000 रुपया वाट लग गया है। तो चलिए आप लोगों को दिखाया और चलिए डिटेल के साथ आप लोगों से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं दुकान पे आ चुकी हूँ और आने के बाद पूरा कार्बोरेटर को मैंने ओपन किया और जितना भी सेंसर है कार्बोरेटर के अंदर थ्रोटल के अंदर सभी को मैंने ओपन किया। अब पूरा थ्रोटल को हमने खोल के देखा, जो ये जो हम लोग का थ्रोटल है ये यहाँ थोड़ा अट्ठा लग रहा है और थ्रोटल थोड़ा दाम लग रहा था। तो यानी कि पूरा थ्रोटल को हम लोग वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद बाइक को देखेंगे। तो हमने ये चेन क्लियरिंग है लेकिन इससे हम लोग वॉश कर सकते हैं, थ्रोटल क्लियरिंग यही है, इसे हम दो चीज़ वॉश कर सकते हैं। तो चलो इसे वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ, जो वॉश हो रहा है, वॉश करके हम लोग को हो रहा है कि नहीं, और नहीं हो रहा है फिर भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। तो फ्रेंड्स एक्चुअली मैंने पूरा थ्रोटल बॉडी को यानी कि कार्बोरेटर को वॉश करके और बाइक को फिटिंग कर दिया है। अब हम स्टार्ट नहीं किया हूँ, अब स्टार्ट करेंगे बाइक को और आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए बाइक को स्टार्ट करेंगे।
तो फ्रेंड्स बाइक तो स्टार्ट हो गया है, काफी बेहतर आ रहा है। एक बार फोन करते हैं। वाओ, लेकिन चेक इंजन लाइट आ रहा है। तो चलिए बाइक को अपडेट करेंगे और एक्चुअली हम लोग चेकअप करेंगे जो क्या फॉल्ट आ रहा है। ओके ओके ओके, रेड कोट, थ्रोटल पैनल, पिस्टन सेंसर हम लोग का बता रहा है। थ्रोटल वाला ये वाला है। तो गाइस ये थ्रोटल पैनल जो है इसको थोड़ा हम लोग एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो ढीला करते हैं और इसको हम लोग थोड़ा इस साइड कर देंगे। बस अब यानी कि अब अपडेट करेंगे बाइक को। बैक ओके सॉरी बैक, अब इरेज कोट पे और वहां दिखाइए चेक इंजन लाइट चला गया है। डन, यानी कि बाइक में हम लोग का जो भी समस्या था सही हो गया है और पिकअप भी हम लोग का बेहतर से बेहतर है। चलो एक बार मैशिन को खोल लेता हूँ। बस बंद करते हैं। बिल्कुल बाइक सही चल रहा है। तो चलो कुछ डिटेल्स आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या देखा, बजाज पल्सर 125 सीसी बाइक मेरे पास आया था BS6 और इस बाइक को लेकर एक मैकेनिक भाई ने लाया था कि सजीर बाइक गुरु कुछ कर सकते हैं, बट मैंने तो बाइक को कंप्लीट कर दिया। लेकिन कैसे किया आप लोगों ने देखा, जो बाइक का ACM है ये तो खराब है, मैंने इसको भी इंस्टॉल करके देखा। अब नया लगाने के बाद क्या हुआ, उसमें भी करंट नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने क्या किया कि साजिर भाई के पास जाएंगे, मेरे पास आया तो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी था कि ये जो ACM है इसमें हम लोग का दिया जाता है, जो बाइक में एक हम लोग का होता है क्या चैसिस नंबर, वो चैसिस नंबर इसमें देना पड़ता है तभी इसका जो लॉक है खुलता है और बाइक में इग्निशन लाइन बनता है। तो इग्निशन लाइन बन गया था, बनने के बाद अब बाइक में पिकअप नहीं ले रहा था और स्टार्ट जब थ्रोटल घुमा रहा है तो नहीं हो रहा था। तो यानी कि मैंने थ्रोटल बॉडी को जैसे खोला कार्बोरेटर को और खोल के देखा, जो थ्रोटल बॉडी का जो पिन है, जो बटरफ्लाई वाल्व बोलते हैं, वो जो पिन है जाम था, मैंने फिर क्लियरली देखे उसको सही किया और जितना भी सुराख था जितना भी छेद था सब सारे के सारे मैंने क्लियर किया और बाइक को जैसे कि अभी तक बाइक स्टार्ट हो गया। तो आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप लोग ACM को बदले, आप अगर बाहर में काम करते हो और आपने देखा करंट नहीं आ रहा है तो ACM अगर आप बदलना चाहते हो तो आपको डीलर के पास जाना पड़ेगा और वो जैसे कि आप लोगों को चैसिस नंबर देना पड़ेगा तभी बाइक में इग्निशन लाइन बनेगा। तो मेरा शोरूम वाला के साथ जैसे कि घुल मिला हुआ था और मैं गया और कोई भी पैसा नहीं दिया, मेरा काम बन गया। लेकिन कुछ पैसा आप लोगों को शोरूम पे भी देना पड़ेगा और कुछ दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ेगा। शोरूम ने तो मुझे बोल दिया कि कार्बोरेटर आपको लगाना पड़ेगा और मैंने ऑर्डर भी करने के लिए चालू हो गया था, लेकिन कार्बोरेटर को मैंने खोला, वॉश किया और हो गया। तो गाइस यहां से हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। गर्मी में पसीना छूट गया गाइस, बहुत ही गर्मी चल रहा है, देखिए इतना गर्मी है यहाँ, जैसे कि 40 डिग्री के ऊपर तापमात्रा है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए।